नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हो गया एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में मैथ के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराऊंगा जो नॉर्मलाइजेशन वाले प्रश्न होते हैं, आपके बहुत ही हार्ड प्रश्न होते हैं, और आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ही आसान तरीके से बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह 4% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 800 रुपये अधिक प्राप्त होते। मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए, आपका मूलधन पूछा गया है। जब भी इस टाइप के प्रश्न आए, आपके साधारण ब्याज की बात की गई हो, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए, मूलधन की बात की गई है, अब हम बहुत ही आसान तरीके से इसको हल करेंगे। देखिए, वर्ष कितना है 5, हमारी दर कितना है 4, तो हमारा जो है ये 5% आपका जो दिया गया 5 वर्ष और 4% की जो दर है ये हमारा दिया गया है 800 के बराबर। ठीक है, तो हमारा ये 20% हमारा बराबर हो जाएगा 800 के। ठीक है, 800 के बराबर हो जाएगा, तो 1% हमारा बराबर क्या हो जाए, इधर जाएगा कटेगा 20 चौक 80, मतलब क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो गया आपका, तो 1% हमारा आ गया। लेकिन हमसे मूलधन पूछा गया, मूलधन हमेशा 100% होता है, तो हमारा 100% क्या होगा, तो इसको हम 100 से गुणा करेंगे, 40 × 100 करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, ये 4000 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, कोई एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं थी आपका, ये बहुत ही सिंपल तरीके से हल होगा, और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आपके रेलवे में बहुत बार इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चे एक्स वाई मान के लगाते हैं। देखिए, कुछ नहीं करना था, हम बहुत सिंपल सा तरीका बता रहे हैं आप लोगों को। बस हमारा जो वर्ष दिया गया है, आपका जो दर दी गई है, साधारण ब्याज में हम वर्ष और दर को डायरेक्ट गुणा करते हैं, तो ये हमारा 20% हो जाता और ये बराबर हो जाता 800 के, तो हमारा 1% बराबर हो जाता हमारा 40 के, तो हम 100% की बात करेंगे क्योंकि मूलधन हमेशा 100 पे लिया जाता है, तो हमारा ये 40 × 100 करेंगे तो बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 4000। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। हम इसी तरह से आपके नॉर्मलाइजेशन वाले प्रश्न को लाएंगे, यूनिक प्रश्न को लाएंगे, और बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल ही ट्रिक से आप लोग समझाएंगे, ताकि आप लोग आसानी से समझ में आ जाए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न में ज़्यादातर बच्चे गलती कर देंगे। देखिए, क्योंकि ये प्रश्न आपका, देखिए, लगाएंगे चाल, समय और दूरी वाले फार्मूले से, जो कि उस टाइप के प्रश्नों में ये यूज नहीं होता है। देखिए, कहाँ पे गलती करेंगे आप, पहले प्रश्न को समझते हैं। एक नाव धारा की विरुद्ध में शहर ए से बी की ओर जाती है तथा धारा की दिशा में बी से ए की ओर वापस आती है। यह स्थिर पानी में नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति क्या होगी। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस प्रश्न में ज़्यादातर बच्चे गलती कर देंगे। देखिए, औसत गति पूछा गया है, औसत गति का सभी लोगों को पता है, ये फार्मूला होता है 2ab/a+b, लेकिन ये कब लगता है। देखिए, अगर इसमें लगाएंगे हम डायरेक्ट इसको रखेंगे 20, ठीक है, 20 × 5, और बेटे में क्या रखेंगे, ये आपका 2 हो जाएगा, 20 × 5, और इसको जोड़ेंगे 20 और 5 को क्या हो जाएगा आपका 25, इसको लगाएंगे तो ये आपका आंसर नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो कि ये ऐसे नहीं लगेगा। ये आपका चाल, समय एवं दूरी में इस टाइप के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पे हमको ये फार्मूला कब लगेगा, पहले हम नाव की चाल निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद हम किसकी, धारा की चाल निकालेंगे। तो देखिए कैसे, पहले विरुद्ध दिया गया है और एक बार क्या, दिशा में दिया गया है, तो पहले x+y करेंगे, तो x+y करेंगे 20, ठीक है, और प्लस में 5, तो हमारा इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो गया। एक बार x−y करेंगे, धारा की विरुद्ध में, एक बार धारा के दिशा में, तो आपका 20 − 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। अब इस पर रखिए आप फार्मूले पे 2ab a+b, अब रख सकते हैं, चाल समय दूरी में आप ऐसे ही निकालेंगे, वरना आप डायरेक्ट रखेंगे 20 और 5 को, गलत हो जाएगा। देखिए, 2 हो गया आपका, कितना हो गया, 25 हो गया, कूड़े में क्या हो गया, 15 हो गया, और इसको जोड़ेंगे 15 और 25 कितना हो गया, 0 3 2 1 4, 40 हो जाएगा। इसको काटिए, देखिए 5 25 हो गया, 5 8 40 हो गया, 2 से काटिए, 2 चौक 8 हो गया। अब ऊपर गुणा करिए, कितना आ जाएगा आपका, 75, और बेटे में कितना आ जाएगा, 4। तो देखिए, हल करेंगे इसको, कितनी बार जाएगा,
चार एकम चार, फिर उसके बाद कितनी बार जाएगा, चार अट्ठे 32, मतलब 18.75 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे। देखिए आप कहाँ पे गलती करते, अभी मैंने बताया आप लोग गलती कहाँ पे करते। गलती आप लोग यही एक करते कि चाल समय दूरी वाले कॉन्सेप्ट से लगाते औसत गत, आपको 20 और 5 को डायरेक्ट रखते, 20 और 5 को डायरेक्ट रखते, जो कि गलत है। पहले हम इसकी दिशा में चाल निकालेंगे, तो हम इनको दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। उसके बाद दिशा के विरुद्ध जो बोला गया है, देखिए एक बार विरुद्ध बोला गया है यहाँ पे और एक बार दिशा में बोला गया है, तो इसको एक बार माइनस निकालेंगे तो ये हमारा 15 हो जाएगा। उसके बाद हम 2ab/a+b पे रखते हैं, तो इसको हल करते हैं 2ab, ठीक है। अब इस फार्मूले पे हम रख सकते हैं, इस लायक फार्मूले पे ये सवाल हो चुका है, नहीं तो पहले हम इस प्रश्न को डायरेक्ट नहीं रख सकते थे। पूरा काटेंगे तो आपका 18.75 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप लोग नोट भी करिएगा, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे कोई भी नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें यही गलती करते कि औसत घट में डायरेक्ट 20 और 5 को रख देते, जो कि आंसर आता ही नहीं। अगर ऑप्शन में भी दे देता इस टाइप के प्रश्नों को हल करने पर आंसर आता तो टिक कर सकते थे। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यही प्रश्न आपके नॉर्मलाइजेशन दिलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए इसमें भी बच्चे गलती करेंगे। देखिए कैसे गलती करेंगे, पहले हमारा दिया गया दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 100 है, उन दोनों का अनुपात 7:2 है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप लोग कैसे हल करेंगे, मैं बता रहा हूँ। आप देखिए दिया गया है 7:2 है, 7:2 दिया गया, आप इनका अंतर करेंगे 5 हो जाएगा, यही हमारा 5 बराबर क्या है 100 के है, तो हमारा 1 बराबर क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 5 × 2 = 10, मतलब 20 आ गया, 1 बराबर 20 आ गया। अब हम क्या करेंगे, गुणनफल बोला गया, 7 और 2 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 9 × 2 कितना करेंगे 18 करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप क्या करते, 7 × 2 = 14, देखिए इसको क्या करते, गुणनफल बोला गया, 7 × 2 = 14 कर लेते और गुणे में 2 करते, गुणे में 2 करते 20 है, ठीक है। तो आपका 14 × 2 = 28, मतलब 280, ऑप्शन में भी दिया गया 280, आप लोग टिक कर सकते हैं। ये गलत है, ये गलत है, तरीका बिल्कुल ही गलत है। अब देखिए आप लोग कैसे हल करना है इस प्रश्न को, कभी भी आप इस प्रश्न में जल्दबाजी मत करिए, आपकी अच्छे से लगाइए, ध्यान से समझिए प्रश्न क्या कह रहा है। पहले हम इसको मानते हैं 7x और उसके बाद इसको क्या मानते हैं 2x, ठीक है, दोनों को मान लिए। अब इन दोनों के बीच देखें कितने का अंतर है 5x, 5x का अंतर हमारा दिया गया है 100 के, तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 20। अब x का मान इस पे रखेंगे 7 पे, तो इस पे x का मान रखेंगे 7 × 14 = 140, कितना आ गया 140 रेशियो, ठीक है 140 आ गया। अब इसके बाद यहाँ करेंगे 2 × 2 = 4 = 40 आ गया। अब देखिए आपका आएगा, अब इन दोनों को गुणा करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका x का मान रखे 7x 2x पे, तो 7 × 2 = 140, इस पर रखे तो 40 हो गया। अब इनको गुणा करिए, देखिए 14 × 4 = 56 होता है, कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों को अब हम आपस में गुणा कर सकते हैं, इसका हो जाएगा हमारा 5600, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए ये प्रश्न होता है यूनिक प्रश्न होता है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट हमारे, कम नहीं कम से कम बहुत सारे स्टूडेंट, 90% स्टूडेंट ये बी ऑप्शन टिक करके आते, जो कि गलत है, बिल्कुल ही गलत है। इस तरीके से नहीं लगेगा, जैसे बताया हम एक्स मान के लगाएंगे तभी ये हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे 5x हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपके 100 के, तो एक्स का मान हम निकालेंगे यहाँ से 20 आ जाएगा, तो 20 इस पर रखेंगे 7 पे, तो हो जाएगा 140 रेशियो में, उसके बाद यहाँ 2x रखेंगे 40 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5600, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए प्रश्न को कभी भी लगाते समय आप ध्यान से समझिए, क्योंकि प्रश्नों में जल्दबाजी में बहुत गलती हो जाती है और आप लोग गलत ऑप्शन टिक करके चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करना है, बहुत ही आसान तरीका बता दूंगा, और इस प्रश्न को मैंने बहुत बार कराया है, हमने हमेशा आप लोग एक चीज़ बताया है, आप गणित के सवाल में लगाते समय आपको कहीं भी एक चीज़ दिखता है वो शब्द क्या है, देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से समझिएगा, वो शब्द है कम। कम दिखे, अधिक दिखे, देरी दिखे, पहले दिखे, जीत दिखे, हार दिखे, वहाँ कहीं भी गणित के शब्द में दिखे तो आप हमेशा अंतर निकालिएगा, आपका आंसर आएगा। जैसे इस प्रश्न में है, किसी गेंद को 15% लाभ पर बेचा जाता है,
यदि उस गेंद को 5% हान पर बेचा जाता है तो 10 रुपये कम मिलते हैं, ठीक है। तो गेंद का क्रय मूल्य क्या है? देखिए प्रश्न को ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। आपको एग्जाम में एक चीज़ देखने को भी बहुत मिलेगा, ये शब्द कम देखने को मिलेगा, अधिक देखने को मिलेगा, देरी दिखने को, पहले देखने को, जीत दिखे को, हार फेल, ये सब दिखेगा। देखिए जब भी हमारा 15% का लाभ होता है तो हम 100 में जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 115। और उसके बाद जब भी हमारा 5% का हान होता है तो 100 में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, तो इन दोनों के बीच अभी मैंने क्या बताया, कहीं भी ये शब्द दिखता है कम अधिक देरी पहले पास फेल, तो वहाँ हमेशा अंतर होता है। इन दोनों के बीच देखें कितने का अंतर है, 20 का अंतर, मतलब डिफरेंट वो हमारा किसके बराबर है, 10 के। तो हमारा एक बराबर कितना हो जाएगा आपका 10, और बेटे में क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है, 100 होता है। तो हमारा देखिए 100 बराबर किसके हो जाएगा, तो 100 बराबर हमारा हो जाएगा ये आपका 10 और बेटे में 20 और गुणे में 100। अब इसको हल करेंगे, देखिए 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 दहम में 50, आपका कितना आ गया 50 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, और आप लोगों के लिए रेगुलर इसी तरह से मैथ और रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करा रहे हैं। इतने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करा रहे हैं जो हार्ड प्रश्न हैं आपके, बहुत ही अगर हार्ड इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं आप लोग बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ। आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि मैं रेगुलर आप लोगों के लिए मैथ और रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ। एग्जाम तक आप लोगों की बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगी। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह के और महत्वपूर्ण क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद।